अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू forexustaad.com। और अल्लाह का नाम लेके आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने जहां से स्टॉप किया था, मैं कोशिश करूंगा वहीं से स्टार्ट करें। कल हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था और मैंने आपको कल डिटेल से बताया था कि ब्रोकर क्या चीज़ है, ब्रोकर क्या क्या उसका किरदार होता है, वो क्या काम करता है, हमारे लिए वो कैसे हेल्पफुल है। और हमने एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट भी क्रिएट किया था जिसका नाम था एक्सनेस। आप सिंपली मेरी वेबसाइट पे गए थे forexstar.com, वहां पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है एक्सनेस का। आपने उस पर क्लिक किया, अकाउंट क्रिएट किया। हमने एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया था इसको वेरीफाई करने के लिए, वो अभी तक वो शायद रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने वो सही सेंड नहीं किया था। एनी हो, फिर मैंने आपको सिखाया था कि ट्रेडिंग, एक ही ट्रेडिंग अकाउंट में आप बहुत ज्यादा जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक ही ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 2-3 अकाउंट तो क्रिएट कर लिए जितना कि आपकी मर्जी थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और अच्छी बात भी यही है कि अगर आप ट्रायल पे काम करना चाह रहे हैं तो वो भी एक्सनेस आपको एक ही अकाउंट के अंदर ही प्रोवाइड करता है सर्विस। सो जस्ट ये देखें लिखा हुआ ट्रायल, जस्ट क्लिक ऑन न्यू अकाउंट और यहाँ पे आप मिनी, क्लासिक जो भी ओपन करना चाह रहे हैं। तो मिनी रिकमेंड किया था कल, तो हमें मिनी ही एक जो है एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। लीवरेज हमने मैक्सिमम रिकमेंड की थी कल और हम अकाउंट में मनी डिपॉजिट कर लेते हैं बिकॉज ये एक ट्रायल अकाउंट है, तो हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी फेक अकाउंट इसमें जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी $5000 और पासवर्ड हम फिर वही जनरेट करते हैं और इसको हम वहीं पे सेव करते हैं। ये पासवर्ड जहाँ पे हमने कल सेव किए थे, यहाँ पे भी इसको नाम दे देते हैं डेमो का। ओके जी, देयर वी गो। तो यहाँ पे देखें हमारा एक डेमो अकाउंट भी ओपन हो गया। तो एक एक्सनेस का अकाउंट क्रिएट करना है आपने और उसके अंदर आप अनलिमिटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके अलावा आप अनलिमिटेड उसमें ट्रायल कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको कि आप और उसमें क्या कर सकते हैं। ओके जी, उसने उस ट्रायल का आपको लॉगिन भी दे दिया है, पासवर्ड भी दे दिया है, हर चीज दे दी है। तो मैं इसको भी सिंपली आप कॉपी करके रखते जाएं जो भी चीजें आपको मिलती हैं ताकि आप बाद में भूले नहीं। लो जी, हमने इसको ट्रायल को भी सेव कर लिया अपने पास। ओके जी, हमारे पास अब 3 अकाउंट हो गए। 2 हमने क्रिएट कर लिए अपनी मर्जी के साथ ही, ट्रेडिंग अकाउंट, रियल अकाउंट्स, और एक हमने ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर लिया। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात है, अभी एक और रुके, अभी कुछ और बाकी है। इसमें कंटेस्ट होते हैं हर माह और जो बंदा कंटेस्ट विन करता है कंटेस्ट, उसको इनाम भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप एक ही अकाउंट उसी अकाउंट के अंदर जो हमने क्रिएट किया था, और अब अगर आप उसको वेरीफाई करते हैं तो उसको लाइफ टाइम आप यूज करें। उसके आप अनलिमिटेड अंदर नीचे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ट्रायल ओपन कर सकते हैं। अब एक और चीज देखें, इसमें कंटेस्ट भी होता है कि आप यहाँ पे कंटेस्ट अकाउंट क्रिएट करें। अगर आप ट्रेडिंग अच्छी करते हैं और आप नंबर 1 पे आते हैं तो वो आपको $5000 देंगे, अगर नंबर 2 पे आते हैं तो वो $1000 देंगे, नंबर 3 पे आते हैं तो आपको $500 देंगे। तो इस तरह के ये कुछ कंटेस्ट इनके होते रहते हैं। तो ये एक ग्रो मनी का है, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेटजी है फॉर सक्सेस, और उसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटी। इसी तरह के इनके जो है कंटेस्ट होते रहते हैं, तो आप किसी भी कंटेस्ट में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि अवेलेबल प्राइस, पहले आने वाले बंदे को 1000 दिया जाएगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं पहले जो पहले नंबर पे वो जीतेगा उसको $1000 दे दिया जाएगा, जो कि $250 उसके रियल अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, सॉरी नेट कैश दे दिया जाएगा, और 750 बोनस की शक्ल में होगा। इसी तरह तीसरे को 500 और दूसरे को 500 और तीसरे नंबर पे आने वाले को $300 बोनस दिया जाएगा। इसमें 5 विनर हैं जी। तो इसी तरह हर एक कंटेस्ट की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक उसकी काम करने का तरीका, अपनी टर्म एंड कंडीशन है, और एक अपने ही उसके प्राइस हैं। तो आपको ये भी जरूर ज्वाइन करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप कंपटीशन में चले जाओगे, यहाँ पे फिर आपको लिस्टें नजर आएगी, कौन पहले नंबर पे जा रहा है, कौन दूसरे नंबर पे जाना है, कौन तीसरे नंबर पे जा रहा है, कब मैं कहाँ पे हूँ और मेरी ट्रेडिंग प्लानिंग क्या है, मेरी ट्रेडिंग कैसे जा रही है, लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो इतना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो इन कंटेस्ट का मकसद यही होता है। तो आप लोग ये भी जरूर ज्वाइन किया करें। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे मैं क्लियर नहीं करने वाला क्योंकि हम रियल की तरफ आते हैं। ये तो एक गैर रस्मी से काम, अगर आप करना चाहें तो करें, वरना इससे आपके क्रिएट करना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। नहीं, वो जो कंटेस्ट अकाउंट होगा ना मुनीन भाई, महमूद खान भाई, वो उसका सर्किट वहीं तक रहेगा। उसमें भी आपको वो ट्रायल मनी देंगे कुछ, ठीक है, वो आप यूज करेंगे। आप उसको वॉश कर दें, अकाउंट को सिफर कर दें या $1,00,000 कर दें, तो वो जस्ट कंटेस्ट तक महदूद रहेगी। मोहम्मद बिलाल, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? बाकी सबको आ रही है। ओके जी। तो हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, अब हम उसी अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है जी, मेक अ डिपॉजिट। आपने उस अकाउंट में इन्वेस्ट कैसे करना है? जस्ट क्लिक ऑन डिपॉजिट, और यहां पे देखें डिपॉजिट करने की कई ऑप्शन आ चुकी हैं। पहली तो है जी कार्ड, दूसरा वायर ट्रांसफर यानी कि बैंक से, तीसरी क्रेडिट कार्ड से, चौथी परफेक्ट मनी, वेब मनी, और ये बाकी जितने भी हैं नेटरल, स्किल, कैश यू, ये सारे ई मनी होते हैं। नहीं, जो कंटेस्ट होते हैं ना, तलहा विर्क वालेकुम सलाम, इससे आप पैसे विड्रॉ नहीं करते, इससे आप जस्ट विन करते हो। अगर आप विन करते हो, आपको प्राइज मिलता है, तो वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें आपको ट्रायल मनी दी जाती है, वो तो जस्ट एक खेलने के लिए या आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या आपको कंटेस्ट में विन करना होता है, तो वो उस काम के लिए आपको दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कंटेस्ट विन कर जाते हैं तो वो फिर आपको प्राइज दिया जाता है और आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। खैर, उनकी अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती हैं, कुछ में वो आपको बैलेंस दे देते हैं कि आप उसके साथ ट्रेडिंग करें। क्या सबको स्क्रीन नजर आ रही है सही तरीके से? अब्दुल्ला भाई, जो आप डिपॉजिट करते हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो रियल अकाउंट में करते हैं। अभी हम रियल अकाउंट में डिपॉजिट करने लगे हैं ना, आपको दिखाता हूं मैं। तो ये देखें, आप बैंक वायर भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी, या डेबिट कार्ड जो आपका है उससे भी आप अपलोड कर सकते हैं फंड। एक ये देखें परफेक्ट मनी, वेब मनी या स्क्रिल, कैश्यू, ये इसमें आ जाते हैं ई करेंसी में। तो ई करेंसी से आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल काम है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर परफेक्ट मनी के थ्रू डिपॉजिट करना चाह रहा हूं तो जस्ट क्लिक ऑन परफेक्ट मनी। ये पूछ रहा है जी कि आप किस अकाउंट में करना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूं जी मैं इस अकाउंट में करना चाह रहा हूं। कितने डॉलर करना चाह रहे हैं फर्स्ट, सेकेंडली करेंसी, और बाद में पूछेगा कितने डॉलर करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं जी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूं, इसलिए चले मैं $10 आपको अपलोड करके दिखा देता हूं, क्योंकि मेरा रियल अकाउंट तो है नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये कर रहा हूं। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक किया। हमजा भाई, मैंने कल सब लोगों को बता दिया था कि कौन सा अकाउंट बेस्ट है। अगर आपने परसों का लेक्चर अटेंड नहीं किया, वेबिनार, बराय मेहरबानी आप forexustaad.com पे जाएं। ये देखें, ये forexustaad.com है। यहाँ पे वेबिनार जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, वो सब वेबिनार की वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वो वीडियोस देखें। ओके जी, मेक अ पेमेंट पे क्लिक करें। बाद में आपने यहां पे अपनी आईडी लगानी है और यहां पे पासवर्ड, कैप्चा एंटर करना है। ओके जी, वो कह रहे हैं जी कि हम आपको मेल सेंड की है आपके जीमेल पे, वहां से आप पिन कोड लाएं और फिर हमजा भाई जिसमें आपके पास डॉलर अवेलेबल हैं आप उससे कर सकते हैं, सभी बेस्ट होते हैं, मगर मैं स्क्रिल को ज्यादा प्रेफर करूंगा। इंशाल्लाह मैंने एक वेबिनार करना है कुछ दिन तक ई करेंसी के ऊपर। ई करेंसी क्या है, ई करेंसी कहां से खरीदते हैं, कहां सेल करते हैं, और कौन सी करेंसी कितनी ज्यादा मजबूत है, हमें किस करेंसी पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। तो इस तरह का वेबिनार एक रखना है कुछ दिन तक इंशाल्लाह। उसमें इंशाल्लाह ई करेंसी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। बारह अगर आपको ई करेंसी बाय करना हो या सेल करना हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। ओके जी, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है हमने, कंटिन्यू, कंफर्मेशन मांग रहा है, हमने कंटिन्यू कर दिया। हमारे $10 उसमें डिपॉजिट हो गए हैं जिस अकाउंट में भी हमने किए थे इन्वेस्ट। सो अब हम उस अकाउंट को लॉगिन करते हैं जहां पे हमने इन्वेस्ट किए थे। लॉगिन करने से पहले डिपॉजिट हो गए हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहे, लेकिन वो रिफ्रेश मारूंगा तो शो हो जाएंगे। ओके जी, हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने उसमें पैसे डिपॉजिट भी कर लिए। अगर जब आपने विड्रा करना है सिंपली क्लिक ऑन विड्रा, और आप अपनी मनी वैसे ही विड्रा कर सकते हैं जहां से आपने इन्वेस्ट किया। लेट्स सपोज मैंने परफेक्ट मनी से डिपॉजिट किया तो मैं परफेक्ट मनी से ही विड्रा करूंगा। जस्ट क्लिक ऑन परफेक्ट मनी एंड अपना अकाउंट की डिटेल दें जो भी है, तो वो आपको उसी टाइम $10 मैं कहता हूं जी मैंने विड्रा करने हैं, तो विड्रा पे क्लिक करता हूं तो वो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। जिस मोबाइल से मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था उसी मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, वो कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे मैं वो कोड यहाँ पे लिखूंगा तो मनी वापस मेरे परफेक्ट मनी के अकाउंट में चली जाएगी। सो दैट्स अ वेरी सिंपल वे एंड वेरी सिंपल, किस तरह डिपॉजिट करना है और किस तरह विड्रा करना है, ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज थी ही नहीं। सो आज आपने सीखा कि हमने किस तरह डिपॉजिट करना है और किस तरह विड्रा करना है। अयाज भाई, मैं अपना जब मेटाट्रेडर पे अपना अकाउंट लॉगिन करूंगा तो फिर से ही पता चलेगा, डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, जब आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट क्रिएट कर ली है तो आपने मेरे साथ कम्युनिकेशन किस तरह करना है। आपने सिंपली वेबसाइट पे जाना है forexustaad.com। जिन लोगों ने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लिया है वो ये काम करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपने मुझे कैसे अपडेट करना है कि आपने मेरे रेफरल लिंक से हो गए हैं, मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने ही आपको गाइड करना है। उसका तरीकाकार बहुत ज्यादा सिंपल है, forexstar.com पे जाना है, यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है रजिस्टर, रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। तो आप के सामने जो फॉर्म आएगा वो आपने फिल करना है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ रजिस्टर हो गए हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने जो भी आपका अकाउंट था, मैंने तौकीर के नाम से क्रिएट किया अकाउंट, तो तौकीर लिखना जरूरी नहीं है, चाहे आप किसी और नाम से अकाउंट क्रिएट कर लें, लेकिन आप मुझे अपना रियल नाम बताएं क्योंकि आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है। बिलाल शफीक है, कामरान है, उस्मान है, अयाज है, कोई भी है, तो अपना रियल नाम बताए। वो चाहे अकाउंट अपनी वाइफ के नाम पे क्रिएट करे या जिसके नाम पे मर्जी क्रिएट करे। तो मैं बताता हूँ जी, मेरा नाम रहील है, रहील नवाज। ओके जी, उसके बाद आपने ट्रेडिंग अकाउंट नंबर देना है। तो जिस ट्रेडिंग अकाउंट में आपने मेरे नीचे अकाउंट बनाया मेरे अंडर और उसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो आपने अकाउंट नंबर मुझे बताना है। लेट्स सपोज मैंने ये वाले अकाउंट में इन्वेस्ट किया है और मैंने वो बताना है। ओके जी, पेस्ट हेयर। ओके जी, हाउ मच डॉलर, आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने $10 इन्वेस्ट किए हैं तो आपने बता देना जी मैंने इतने डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपने यहाँ पे ये बताना है कि आप बिल्कुल नए हो या आप पहले ट्रेडिंग कर चुके हो, आप लॉस कर चुके हो, आप दोबारा करना चाह रहे हो, या आप अभी भी सीख रहे हो, तो आपने न्यू पे भी क्लिक करना है। तो वेरी न्यू, अगर आप बहुत ज्यादा नए यानी कि आपने फोरेक्स का नाम ही पहली दफा सुना है तो आपने वेरी न्यू पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को जानते हो और प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं तो आपने एक्सपर्ट पे क्लिक करना है। तो मैं कहता हूं जी आई एम ओल्ड बट डूइंग लॉस, चले जी। ओके, उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, रियल एक्टिव ऐसी ईमेल जो आप दिन में हर रोज चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे वो ईमेल देता हूँ मैं जो हर रोज चेक करता हूँ। उसके बाद आपने फेसबुक की प्रोफाइल आईडी देनी है, फेसबुक की प्रोफाइल अपनी फेसबुक लॉगिन करनी है सिंपल आपने, और अपना यूआरएल कॉपी करना है जो भी आपका फेसबुक का यूआरएल है प्रोफाइल का, जिस एड्रेस से आपकी फेसबुक का जो है प्रोफाइल ओपन होती है वो कॉपी करना है और वो यहाँ पे पेस्ट करना है। अपनी स्काइप आईडी लिखनी है, whatever your Skype ID राहील। मेरी ये है तो मैंने लिख दिया। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त कौन सा नंबर दिया था, बस आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो एक्टिव हो। आई मीन टू से कि अगर मुझे आपको कॉल करनी पड़ जाए, बिकॉज आप मेरे साथ काम कर रहे हो, तो आप मेरे साथ स्टूडेंट बन रहे हो, तो आप जब भी आप मुझे आपकी जरूरत पड़ जाए या आपको मेरी जरूरत पड़ जाए, तो हम लोगों के नंबर चलते रहने चाहिए, बिकॉज हमने साथ साथ काम करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना एक्टिव नंबर दो। तो यहाँ पे हम एक्टिव नंबर अपना लिख देते हैं जी। ओके जी, ओके जी। अगर आपको डॉलर बाय करने हैं या डॉलर सेल करने हैं तो आप यहाँ पे यस या नो क्लिक करेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ से करेंसी बाय करके इन्वेस्ट करें एक्सनेस में, तो आप यहाँ से मेरी सर्विस ले सकते हैं। आप यस पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाऊंगा। ओके जी, सबमिट, सबमिट पे क्लिक करना है। ओके जी, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड हो गई है, वो मेरे रिकॉर्ड में आ गई है, और अब आप मेरे स्टूडेंट बन गए हो और मेरी लिस्ट में हो। अब आप मेरी लायबिलिटी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे पता है मेरे पास मेरे अंडर ये स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है, उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अब मैंने उसको टाइम देना है। सो मैं आपको खुद ही स्काइप पे कॉल कर लिया करूंगा, आपको फेसबुक पे कांटेक्ट कर लिया करूंगा, आपको अपने वीआईपी ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, बिकॉज आपकी जो है फेसबुक की प्रोफाइल आईडी भी मेरे पास आ गई है। तो मैं आपसे खुद भी अटैच रहने की कोशिश करूंगा, बजाय इससे कि आप मेरे पीछे पीछे आते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके पूछने से पहले आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया करूँ। ओके जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आप मेरे साथ रजिस्टर हो गए, एक सिंपल सा तरीका था मुझे बताने का कि हम आपके रेफरल लिंक से आपके अंडर आ गए हैं और अब हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। सो उसके बाद अगला स्टेप क्या है जी? उसके बाद अगला स्टेप ये है कि एक्सनेस का हमने मेटाट्रेडर डाउनलोड करना है। एक्सनेस मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड, हमने एक्सनेस का मेटाट्रेडर 4 डाउनलोड करना है। फिर वो उस्मान भाई आप 2 दफा लिंक फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ओके जी, मैं ये देखें एक्सनेस का ये मेटाट्रेडर 4 का लिंक है, इसको हमने डाउनलोड करना है। अब्दुल्ला भाई मेटाट्रेडर 5 डिफरेंट है थोड़ा सा, और उसमें टर्म एंड कंडीशन थोड़ी चेंज है और उसमें कुछ रूल्स अलग हैं, लेकिन है वो एडवांस, तो इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही अभी एडवांस है, और वैसे भी अभी वो इतना डेवलप नहीं है कि हम उस पर ट्रेडिंग करें। सो मेटाट्रेडर 4 इज बेस्ट। जी रिजवान खान साहब, पहले आप मेरे और रेफरल लिंक से अपने एक्सनेस में अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आप फॉर्म फिल करेंगे। ओके जी, ओपन पे क्लिक करना है ताकि ये सेटअप स्टार्ट हो जाए इसका। यस, नेक्स्ट, यस आई एम एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके जी, फाइल्स डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। कामरान भाई, आई एम गोइंग टू शो यू, डोंट वरी। अभी मेटाट्रेडर डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो गया। अभी हम इसके ऊपर जब अकाउंट लॉगिन करेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूं क्या चक्कर है ये। डोंट वरी, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, फिक्र ना करें आप। ओके जी, ये देखें जी, मेटाट्रेडर डाउनलोड हो गया, और उसके बाद अभी हम जो इसको डाउनलोड करने का इंटरफेस हमारे सामने आ गया, इसको सॉरी लॉगिन करने का। सो यहाँ पे हमने अपना अकाउंट नंबर देना है, हम कौन सा अकाउंट लॉगिन करना चाह रहे हैं। ओके जी, पासवर्ड लिखना है आपने। आपको दो तरह के अलग किस्म के पासवर्ड मिले थे, एक आपको पर्सनल एरिया में लॉगिन होने के लिए पासवर्ड अलो किया जाएगा और एक आपको ट्रेडिंग करने के लिए पासवर्ड अलो किया जाएगा जो मेटा ट्रेडर का है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, ये इन्वेस्टिंग पासवर्ड किस लिए यूज होता है और फोन पासवर्ड क्या है, मैं आपको इनके अंदर डिफरेंस बता देता हूं। और नोट, ये आप लाइव देख रहे हैं, वीडियो लाइव वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए मेरे सारे पासवर्ड भी आपके सामने शो हो रहे हैं। सो कोई एंगी पेंगी ना कीजिएगा, मैं बाद में चेंज करूंगा। ओके जी, पर्सनल एरिया का पासवर्ड तो हमने जब एक्सनेस की वेबसाइट में जाना है तो उसको लॉग इन करने के लिए सबसे पहले हमने अपना ईमेल एड्रेस देना है और फिर उसके बाद हमने पर्सनल एरिया वाला पासवर्ड देना है और फिर हम लॉगिन हो जाएंगे एक्सनेस की वेबसाइट पे। ट्रेडिंग पासवर्ड हमने देना है जब हमने लॉगिन करना है मेटाट्रेडर 4 पे। और इन्वेस्टर पासवर्ड यूज होता है अगर आप अपना अकाउंट मुझे शो करना चाह रहे हो या बिलाल शफीक शो करना चाह रहा है, रिजवान खान को, सईद भाई शो करना चाह रहे हैं मुझे या किसी और को। तो जब जो भी बंदा किसी और को अकाउंट शो करना चाह रहा है अपना, उसको वो अपना अकाउंट का आईडी देगा, अकाउंट नंबर यानी कि, और अपना इन्वेस्टर पासवर्ड देगा। ओके, मतलब कि अगर आपको, मैं चाहता हूं कि आपके पास भी इस अकाउंट की एक्सेस हो और आप चेक करते रहें मेरा अकाउंट को अपने पास लॉगिन करके, तो मैं आपको अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दूंगा, ये वाला। तो इससे क्या होगा कि आप अपने पास लॉगिन करके मेरा अकाउंट आप भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरी ट्रेडिंग कैसी जा रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको समझ लग गई? इसका कोई मिसयूज नहीं है जवाद भाई, ये कुछ भी नहीं कोई बंदा कर पाएगा, सिर्फ देख सकता है। आप जो कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग लगा रहे हो, ट्रेडिंग खत्म कर रहे हो, वो बंदा सिर्फ देख सकेगा, वो कुछ कर नहीं सकेगा। और जो फोन पासवर्ड है, जब हेल्पलाइन पे आप बात करते हो या फिर आप लाइव चैट करते हो एक्सनेस वालों के साथ, तो वो फिर आपसे फोन पासवर्ड मांगते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि ये अकाउंट आपका है या नहीं। सो ये हर एक चीज का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। तलहा विर्क भाई, इससे ट्रेड कॉपी तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि किसी का इन्वेस्टर पासवर्ड आपके पास है और आप उसकी ट्रेड देख रहे हो, तो उससे उसकी ट्रेड देख के आप अपने पास भी ट्रेड लगा सकते हो, सेम ट्रेड जो वहां पे लगी हुई है। हमजा भाई, पर्सनल एरिया पासवर्ड जब आप exness.com में जाके लॉगिन होते हो ना, तो वहां पे पर्सनल एरिया पासवर्ड यूज होता है, उसको यूज करने के लिए। यानी हम बहुत ज्यादा सुस्त जा रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। ओके जी, पासवर्ड हमने पेस्ट किया। अब ये सर्वर मांग रहा है, सर्वर का हमें कैसे पता चलेगा हमारा सर्वर कौन सा है? तो हमें एक्सनेस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, हमें अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वहां पे लिखा होगा हमारा जो सर्वर है। मेरे ख्याल से इसका सर्वर 6 होगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका सर्वर जो है वो real 6 है। सो जस्ट क्लिक ऑन real 6। ये सारी चीजों पे मैं इसलिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या इस वजह से आपको बहुत ज्यादा डिटेल में या डेप्थ में जाकर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट एक्सपीरियंस किया 2 ईयर का, मैंने देखा है कि लोग बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं, उनको इन चीजों का बिल्कुल नहीं आइडिया। वो पूछेंगे इन्वेस्टर आइडिया के पासवर्ड क्या है, वो अलग अलग पूछेंगे रियल सर्वर क्या है। हालांकि ये वो चीजें हैं जो आप खुद भी, आपको पता चल गई होंगी अभी, लेकिन जो न्यू यूजर है जो फोरेक्स का नाम ही पहली दफा सुनता है और हमारी वजह से रजिस्टर करता है, उसको इन चीजों का नहीं पता होता। सो जस्ट वी क्लिक ऑन लॉगिन। ओके जी, कामरान भाई और एक दो और बंदे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जी $8 आए हैं। मैं आपको बता रहा था कि $8 नहीं आए, डॉलर पूरे 10 ही है, लेकिन वो हमें शो नहीं हो रहा था वेबसाइट पे सही तरीके से। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे $11.20 है। इसका जो है हमें 10% बोनस शायद मिला है, तो उसकी वजह से इतना बना है। बाकी हिस्ट्री चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसको तो मैं खत्म करूं। ये देखें, आप सबको नजर आ रहा है ना, $10 डिपॉजिट हुए हैं, कोई फीस नहीं कटी। मैंने जैसा कि आपको कहा था अपने लास्ट वेबिनार में, एक्सनेस आपसे कोई फी नहीं लेगा। तो यहाँ पे देखें, एक्सनेस से हमसे कोई फी नहीं ली और यहाँ पे देखें बोनस भी उसने खुद ब खुद डिपॉजिट कर दिया है। फरहानुल हक जितना भी है 12% है 10% है, ये चेंज होता रहेगा, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे है। जो बोनस हमने सिलेक्ट किया था उसमें यही था कि हम जितना प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे या जितनी अच्छी ट्रेडिंग करके उनको दिखाएंगे एक्सनेस वालों को, उतना ही ज्यादा हमारा बोनस बढ़ता जाएगा। जैसे ही अगर मैं ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और अगर मैं $2-3 आते ही प्रॉफिट अर्न कर लेता हूँ तो वो मुझे उसी टाइम $2-3 और बोनस भी साथ दे देंगे। बिलाल शफीक भाई लकीर के फकीर ना बनो, मैं आपको अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दे दूंगा, असगर दे देगा, शफीक दे देगा, कोई भी दे देगा आपको इन्वेस्टर पासवर्ड हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आप लॉस करोगे। जब आप दूसरों के पीछे चलते हैं, जब आप उन लोगों के पीछे चलते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें अर्न करके देंगे, फिर आप लॉस ही करोगे हमेशा। और यहाँ पे मैं आपके इसलिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या आपको सिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ कि आप लोग इस काबिल बनो कि आप अपनी ट्रेडिंग खुद करो। आप लोग क्यों लॉस करते आए हैं, आप कॉन्स्टिट्यूटली जो लॉस करते हैं उसकी वजह क्या थी, कभी सोचने की कोशिश की है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आप लोगों के पीछे चलते हैं। आप लोगों ग्रुप में देखो सिग्नल मांग रहे होते हो, आप ग्रुप में पूछो, बिल्कुल हेल्पलेस से होते हो आप लोग। आप लोगों ने, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों में जो ये एहसास कमतरी है ये बाहर निकले। आपको पता है फोरेक्स में लोग 95% लोग जो हैं वो लॉस करते हैं और आप लोग 95% को फॉलो कर रहे होते हो। जब आप 95% को फॉलो कर रहे होते हो, वो लोग लॉस कर रहे होते हैं तो आप भी लॉस करते हो। सो मैं नहीं ये चाह रहा कि आप लोग लॉस करो, मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, आप खुद अपनी ट्रेडिंग खुद करो। हम लोग ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मैं समझा रहा हूं, जो आगे हम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, ये हमने लाख रुपया फी पे करके सीखी हुई है, जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। कल का लेक्चर देंगे, परसों का देंगे, ये पूरा 1 महीना हम आपको लेक्चर देंगे फ्री, बिल्कुल। हमने 1-1 लाख रुपया देके क्लासेस अटेंड की हैं, तो इतनी फीस लेके आपको सारा नॉलेज फ्री प्रोवाइड करने का मकसद ये नहीं है कि आप हमारी बातें माने, हमसे सिग्नल मांगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सिग्नल जरूर देखें, मेरा सिग्नल देखें। आप आमना देती है, रिजवान देता है, व्हाटएवर कोई भी सिग्नल पोस्ट करता है वेबसाइट में, उसका देखें और उसके ऊपर अपना रिव्यू पोस्ट करें कि यार तुम ठीक कह रहे हो या तुम गलत कह रहे हो। यूरो यूएसडी डाउन नहीं जाएगा, डॉलर तो अप जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना रिव्यू दें और अपने दिमाग से काम करें, अपने माइंड, लकीर के फकीर ना बने। और अगर आप लॉस करते भी हो बिलफर्ड, तो आप लोगों को पता हो यार मेरी ये गलती थी। आगे चल के हम स्ट्रेटजी देंगे कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, किस तरीके से हम मार्केट को जज कर सकते हैं, किस तरीके से मैं जान सकता हूं कि मैं बाय करूं या सेल करूं। ओके सईद भाई, ओके जी। ले जी, हमने मेटाट्रेडर लॉगिन कर लिया और हमने इसके अंदर यूरो यूएसडी का पेयर हमारे सामने, यूरो यूएसडी का चार्ट है हमारे सामने। तो आज हमने बेसिकली जो हमारे सामने विंडो ओपन है ये मेटाट्रेडर 4 की है। आज हमने इसको समझना है और सीखना है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने इसकी ऑप्शंस कैसे यूज करनी है और इसको बाकी इसकी डेप्थ क्या है। सबसे पहले जो आम सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है, वाच मार्केट में जो करेंसीज चल रही हैं, लोगों ने ये कहा है कि उनके पास, कुछ लोगों के पास कम शो होती है। लाइक जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस तरह शो होगा, यानी कि 3-4 पेयर आ रहे होंगे, बाकी पेयर आ नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग ने जब आपके पास इस तरह की सूरत हाल आए तो आपने जस्ट राइट क्लिक करना है किसी की भी करेंसी के पेयर के ऊपर और शो ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको सारे सिंबल्स नजर आ जाएंगे, सारे पेयर नजर आ जाएंगे जितने भी एक्सनेस के साथ काम कर रहे हैं। ओके जी, यहां पे इसको समझ लें, वाच मार्केट को सिंबल है जी, यूरो यूएसडी या व्हाटएवर। उसके बाद बिड, आस्क प्राइस और बिड प्राइस। लास्ट वेबिनार में मैं आपको समझा चुका हूं आस्क प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो करेंसियां चल रही हैं यहाँ पे, या जो भी करेंसी आप चूज करेंगे उसका यहाँ पे चार्ट भी चल रहा होगा छोटा सा। ओके जी, उसके बाद है जी नेविगेटर है, उसमें हमारे अकाउंट्स होते हैं। नेविगेटर में ये देखें, हमने एक अकाउंट लॉगिन किया इसमें नेविगेटर में तो ये आ गया। अगर आप मजीद अकाउंट इसी विंडो में लॉगिन करते हैं तो वो भी नेविगेटर में तरतीब पर आएगा इसी तरह जिस तरह ये आया हुआ है। लेट्स सपोज मैं अपना रियल अकाउंट एक सॉरी डेमो अकाउंट एक लॉगिन कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि ओके जी ये डेमो अकाउंट क्या है जी। सबसे पहले आईडी सेम उसी तरह पासवर्ड और इसके अलावा इनका सर्वर है जी, यहां से सर्वर ही सारा कॉपी कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं जी। अयाज भाई लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही दूसरा अकाउंट लॉग इन कर लें, वैसे भी इसके अंदर ऑप्शन है इस चीज की। ये देखें उसी की बात कर रहा था जिसकी मैंने एक अकाउंट ओपन किया डेमो अकाउंट 5000 से, उसमें 5000 रुपया आ तो गया लेकिन यहाँ पे देखें करेंसियां सिंबल्स पूरे नहीं आ रहे तो यहाँ पे मुझे शो ऑल करना पड़ेगा। ओके जी हम आगे आगे चलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, 43 मिनट्स हो गए हैं और अभी हमने कुछ किया कुछ भी नहीं है अभी तक। आपके क्वेश्चन में बाद में पढ़ूंगा, प्लीज थोड़ा अवॉइड ही करें, अभी आपको क्वेश्चंस के लिए टाइम दिया जाएगा। ओके जी यहाँ पे करेंसियां आई, कोई भी करेंसी जिस करेंसी पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं सिंपल दैट के आपने उसको स्क्रॉल करके विंडो के अंदर लगा देना है। एयूडी यूएसडी यूरो यूएसडी व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके यूरो यूएसडी ये पड़ी हुई है इसको मैंने ये उठा के रखा तो ये आ गई इसके अंदर। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, उसको कोई भी करेंसी अगर आप न्यूजीलैंड यूएसडी करना चाह रहे हैं तो ये आ गई है वो। ये टाइम फ्रेम है, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सिंपल सा, थोड़ा सा टाइम बहुत कम है मेरे पास। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वेबिनार है उसके बाद एक और वेबिनार करूंगा मेटाट्रेडर 4 पे जिसमें मेटाट्रेडर की मजीद डेप्थ आपके सामने बयान करूंगा। ओके जी ये है जी माउस क्लिक करें या यहाँ पे देखें आप वैल्यू अगर आपने देखनी है कोई भी तो आप इस तरह इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो वो भी आप लाइन लगा सकते हैं इस तरह। अगर आपने देख रहे हैं ना आप लोग, मैं तेजी से कर रहा हूँ बिकॉज हमने टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिया है। तो ये देखें हम जिस तरह मर्जी यहाँ पे अपने चार्ट पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर और हम अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, अरेज कर सकते हैं कुछ, यहाँ कुछ लाइनें लगा सकते हैं अप या डाउन की। टाइम फ्रेम है ये, टाइम फ्रेम हम आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी में बताएंगे कि आपने टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। बहरहाल यहाँ पे 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम यहाँ पे मेटाट्रेडर 4 वालों ने दिया हुआ है। अगर आप अपने चार्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं प्लस बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछते रहते हैं अक्सर। ओके जी विंडोज ज्यादा देखना चाह रहे हैं एक साथ तो ये देखें विंडोज ज़्यादा आप जितनी मर्जी देख सकते हैं, सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी तरीके का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये ब्लैक था तो ये वाइट है, तो उसका तरीका भी आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अकाउंट हिस्ट्री यहाँ से आपने देखनी है, न्यूज़ अगर आपने पढ़नी है यहाँ पे अलर्ट हैं, सिग्नल्स हैं, यहाँ पे आपको मेटाट्रेडर 4 वाले प्रोवाइड किया करेंगे। अगर आपको वो समझते हैं तो वो कर लें, एक्सपर्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जी, जर्नल हैं, तो ये ऑप्शंस हैं इनको आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं। ओके जी लैंग्वेजेस आप चेंज कर सकते हैं, टूल बार कोई भी हटाना चाहें आप रख सकते हैं या लगा सकते हैं। ओके इसके अलावा सिंबल्स आप ऐड करना चाहिए वही ऑप्शन है, ये जो ऊपर वॉच मार्केट है यहाँ, ये सारी ऑप्शंस आप अपने तरीके से जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम खत्म हो गया। फुल करते हैं भाई, रिकॉर्डिंग तो फुल ही होती है, अभी भी हो रही है रिकॉर्डिंग। ओके जी अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें आज के लिए आपके पास सिर्फ आज मैं मेटाट्रेडर की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बता के बस ये खत्म करूंगा। आपने कोई भी इंडिकेटर ऐड करना है या कोई भी रोबोट ऐड करना है तो वो आप कैसे ऐड करेंगे वो आज आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जस्ट क्लिक ऑन फाइल एंड ओपन डाटा फोल्डर। जी मंसूर भाई बहुत ज्यादा बेसिक ही बताना पड़ेगा, बिकॉज आगे चल के हम जब अपने वेबिनार्स में एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे या फिर हम अपने वेबिनार में हाई लेवल पे जब प्लानिंग की बात करेंगे, स्ट्रेटजीज की बात करेंगे और जब अगले वेबिनार आएंगे फिर मैं वहां पे आपको बेसिक बताने नहीं बैठ जाऊंगा। तो जरूरी है कि आपको ये सारी चीजें पता हो। वहां पे मैं आपको कहता हूँ आस्क प्राइस ये हो तो बिड प्राइस को क्या करते हैं, बिड प्राइस ये हो तो ये चीजें आपको पता होंगी पहले से। वहां पे अगर आप आस्क प्राइस या बिड प्राइस का नाम आता है तो आपको पता ही नहीं होता, तो फिर अभी भी बहुत ज्यादा चीजें बेसिक चीजें मिस हो रही हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको पकड़ के साथ साथ करूँ, बिकॉज जब हमारे पास एक्सपर्ट्स आए या मैं आपको कोई आला लेवल की कोई चीज सिखाता हूँ, कोई स्ट्रेटजी करवाता हूँ, तो उसमें ये ना हो कि आपको पता ही ना होगा ये बोल क्या रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि हमें कुछ समझ। अब आप फॉरेक्स की कोई ना कोई न्यूज उठा के देख लें किसी भी वेबसाइट पे, आपको उस न्यूज की समझ नहीं आएगी, बिकॉज आपको उनकी वर्डिंग का नहीं पता। आपको पता नहीं कि मेटाट्रेडर में क्या क्या चीजें होती है, आपको पता नहीं कि करेंसी पेयर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, आपको ये पता नहीं है कि करेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, स्टॉप लॉस क्या है, टेक प्रॉफिट क्या है, ट्रेड कैसे लगाते हैं और बाय एंड सेल को और क्या क्या कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, मेटाट्रेडर में हम आ गए हैं, हमारा स्किल 4 में जाना है और यहाँ पे आगे हमें कोई भी इंडिकेटर फाइल ऐड करनी है तो इंडिकेटर्स में ऐड करेंगे आप। अगर आपने कोई भी ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज ऐड करनी है या आप रोबोट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे एक्सपर्ट में करेंगे, जो भी ऑटो ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा। बाकी इंडिकेटर सारे आपने एक्सपर्ट में जाके पेस्ट करने हैं, अपने मेटाट्रेडर को रिस्टार्ट करना है तो वो उस पर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ जो है आज बाय एंड सेल करके ही काम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, बाकी नेक्स्ट वेबिनार में मैं करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। सबसे पहली बात यह कि आपने ट्रेड लगाने कैसे है। आप मेटाट्रेडर 4 को अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा आसानी से यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप बाय एंड सेल करना चाह रहे हैं तो ये मुश्किल नहीं है, आप अपनी चार्ट विंडो के ऊपर सारा कुछ रख सकते हैं। ये देखें वन क्लिक ट्रेडिंग सिस्टम, तो इसके ऊपर ने क्लिक किया वन क्लिक ट्रेडिंग सिस्टम को, तो यहाँ पे मेरे चार्ट के ऊपर ही बाय एंड सेल की ऑप्शन आ गई और यहाँ पे प्राइस भी चल रही होंगी। अपनी मर्जी से मैं जितनी मर्जी ट्रेड बड़ी रखूं, उसका वॉल्यूम या छोटा रखूं, मैं बाय एंड सेल कर सकता हूँ। उसके अलावा जी ऑर्डर लगाने का जो बिल्कुल सही तरीका है, अगर मैंने ऑर्डर लगाना है तो अब मैं किसी भी करेंसी के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर भी कर सकता हूँ या फिर मैं ऑर्डर नो पे भी क्लिक करके ऑर्डर लगा सकता हूँ, ये अपनी मेरी मर्जी है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है, आप किसी भी तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं। न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है जी, आपने बाय करना है, अपनी जो वॉल्यूम है साइज जो शो आपने रखना है वो आप पहले चूज करें। अगर आप एक ट्रेड के बारे में ज्यादा शोर है तो आप इसका वॉल्यूम ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप फिलहाल 0.01 की ट्रेड करें, चाहे आपने $1000 भी इन्वेस्ट किया है, जब तक कि आप 100% श्योर नहीं होते। उसके बाद टेक प्रॉफिट, इसको टीपी भी कहते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं जो यहाँ पे प्राइस चल रही है उनके मुताबिक। स्टॉप लॉस है कि आपकी ट्रेड लॉस में कितने लॉस करने के बाद क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे आप वो लॉस भी उसको कह सकते हैं कि इसके बाद वो क्लोज हो जाए। ओके जी, यहाँ पे टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस है, इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर भी एक फीचर है, वो अपने नेक्स्ट वेबिनार में करूंगा क्योंकि उसमें डेप्थ में और भी चीजें हैं। अगर आप करेंसी यहाँ पे कोई और चूज करना चाह रहे हैं तो वो भी चूज करके आप ऑर्डर बाय एंड सेल कोई भी लगा सकते हैं। इस टाइम तो ऑर्डर नहीं लगेगा बिकॉज मार्केट क्लोज है, हम लोग एक वीकेंड पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार होगा उस पर मैं दोबारा मेटाट्रेडर 4 पे आऊंगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा वो फोरेक्स प्लान के ऊपर होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो ये जो बेसिक है कुछ लोगों को पहले ही आती है, तो इंशाल्लाह जो परसों वेबिनार होगा तो उसमें हम आपके साथ फॉरेक्स प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे, फॉरेक्स प्लान आपको देंगे और मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वेबिनार में कि आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं एक मंथ में $53,000 $53,000। या आपने बिल्कुल सही सुना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा प्लान दूंगा कि आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं $53,000 पर मंथ। सो ये आपको प्लान मिलेगा और उसके ऊपर आप इन्वेस्ट हो, आप इंशाल्लाह अपना अकाउंट बना के अभी कर ही चुके होंगे और कुछ जिन लोगों ने नहीं किया, जो अभी अकाउंट क्रिएट किया है जिन्होंने, वो कर लें इन्वेस्ट। मिनिमम रिकमेंडेशन $1000 है, $1000 वाला वो प्लान है, वो आप करें तो इंशाल्लाह आप उतने ही अर्न करेंगे जितना मैं कह रहा हूँ, लेकिन आफ्टर ए ईयर। जी बिल्कुल अम्मार अहमद हमजा, जिस जिसको भी सुनने में समझ नहीं लगी उसको मैं बता रहा हूँ, $53,000। जी अमर भाई बिल्कुल सही कहा, इंशाल्लाह वो कल प्लान में बताऊंगा ना, उसमें मंथली अर्निंग भी तो है ना आपकी। जी जी मंथली अर्निंग है आपकी, लेकिन ये देखो मैं कह रहा हूँ $50,000 $53,000, तो ये सबके आंखों में एक ग्रीडनेस भी आ गई है, ठीक है। लेकिन ये कि ये नहीं आप लोग समझ रहे कि उसके पीछे रूल्स कितने स्ट्रिक्ट होंगे, हमें मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। जाहिर है आपको अगर इतनी अर्निंग करनी है आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी होगी, ठीक है। और आपको ना सिर्फ मेहनत करनी होगी बिल्कुल, अब बल्कि आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहा, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। अभी मेटाट्रेडर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, बाकी इसके नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। जी भाई मेटाट्रेडर 4 का रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? यू हैव ओनली 7 मिनट। रिजवान भाई आपको अगर ई मनी बाय करनी है, PM मनी बुकर या फिर परफेक्ट मनी या फिर जो भी करेंसी से आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप मेरे से ऑफलाइन आ जाएं, स्काइप पे आ जाएं, फेसबुक में मैं आपको बता दूंगा तरीकाकार किस तरीके से मैं आपको दूंगा। हाँ बिलाल शफीक, PM भी बहुत अच्छा है और स्क्रिल भी बहुत अच्छा है, दोनों में से आप जो मर्जी कर लो। इनाम ने पूछा जी टेम्पलेट कैसे आपने रेड एंड वाइट की है, तो टेम्पलेट बनाने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं चाह रहा था अपने नेक्स्ट वेबिनार में करूं, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं 2 मिनट लगा कर लेता हूं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। सिंपल जाना है जी आपने प्रॉपर्टीज में, एक मिनट मैं आपको ये ब्लैक वाला लेके इसको व्हाइट करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले ग्रिल खत्म करनी है आपने, यहां से आप बड़ा करें, यहां से इसको कैंडल करें और इसको, उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं। ये देखिए ये प्रॉपर्टीज है, ये सारी ऑप्शन है, ये भी आप यूज करें इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। तो ये देखें प्रॉपर्टीज में आप अपनी मर्जी से अपने चार्ट के कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे जहां पे ब्लैक हुआ है बैकग्राउंड कलर, आप उसको सिंपल वाइट कर दें, ये वाइट हो गया। और जो जो कलर आपकी मर्जी है आप करते जाएं, कोई इशू नहीं है। मैं ब्लू कर देता हूं बाकी चार्ट के, और ये जो ब्लैक कैंडल है इसको मैं बिल्कुल रेड करना चाह रहा हूँ, रेड कर लिया, नो प्रॉब्लम। ये जो येलो कैंडल है इसको मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, एवो को, एंड जो येलो है ब्लैक एंड शेट। ले जी चार्ट तैयार हो गया जैसा आप कह रहे थे। नहीं रिजवान भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते ऑटो ट्रेडिंग, और आप गलती से भी कभी ऑटो ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना, अगर जाएंगे तो आपका नुकसान है। ऑटो ट्रेडिंग वक्ती तौर पे फायदा देती है, बाद में लॉस ही लॉस है। अम्मार भाई आप जितने मर्जी कलर के कर लें, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऑप्शन है ना प्रॉपर्टीज में कलर चेंज करने की, तो आप जितने मर्जी कलर चेंज करते रहें, ये आपकी मर्जी है। सेल लिमिट क्या है, बाय लिमिट क्या है, ये आपको नेक्स्ट वेबिनार में बताऊंगा। पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं ये बताऊंगा, और इसके अलावा आप टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, अपनी टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट लोड कैसे करते हैं ये बताऊंगा। इंडिकेटर ऐड करके दिखाऊंगा आपको, एक रोबोट ऐड करके दिखाऊंगा एक। इसके अलावा मैं आपको अपना जो है इंडिकेटर क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप अपने तरीके से कैसे उसको प्रॉपर्टीज को कैसे आप बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं आपको सिखाने वाली। आज तो मैं बिल्कुल भी इसका बेसिक भी नहीं कर पाया सही तरीके से, बिकॉज आपके आंसर क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। रिजवान खान भाई, स्काइप पे बात कर सकता हूं, आप वो फॉर्म फिल करें पहले। अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो मैं फॉरेक्स स्काइप पे आपको जितना आप टाइम कहेंगे मैं आपको दिया करूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्काइप पे जो कॉलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए है। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ सिर्फ और जिन्होंने मेरे अंडर इन्वेस्ट किया सिर्फ उनके लिए अनलिमिटेड वो स्काइप पे जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूंगा। ओके जी, होप आज के वेबिनार में आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी, बेसिक्स चीजें सीखी होंगी। और जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी वेबसाइट पे बाद में रिकॉर्डिंग, उन सब के लिए मैसेज है कि वो अगर उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस पहले जाके देखें, अकाउंट क्रिएट करें, ब्रोकर क्या ये जाने, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है पहले ये जाने, फिर उसके बाद ब्रोकर, उसके बाद ये तीसरा वेबिनार देखें। सो स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो आपको सही समझ आएगी। सईद अहमद भाई, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। रोबोट, कुछ लोग रोबोट ट्रेडिंग रिकमेंड करते हैं, जो लोग रोबोट की स्ट्रेटजी पर काम करना चाहें वो उधर चले जाएं, बहरहाल हम रोबोट रिकमेंड नहीं करेंगे। आप जल्दी से आप जिन लोगों ने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं मेरे रेफरल लिंक से, वो जल्दी से www.forexustaad पे जाएं और वहां पे रजिस्टर पे क्लिक करके फॉर्म फिल करें। आप सबके लिए एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, जब भी आप लोगों को कोई बात कहनी होती है तो वो बार बार फेसबुक पे रिपीट करनी पड़ती है। सो उसका इजी वे ये है कि आप यहाँ पे आके फॉरेक्स सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस पुट करें। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिख के, लेट्स सपोज ये मेरी ईमेल एड्रेस लिख के सब्सक्राइब पे क्लिक करें और उसके बाद ये कैप्चा आएगा ताकि आपको न्यूज़लेटर खुद ब खुद ऑटो सेंड हो, उसको करें जी। और सब्सक्राइब कंप्लीट पे क्लिक करें। ओके जी, नाउ आपकी वेब मेल एड्रेस पे एक मेल गई है, उसके ऊपर एक लिंक है, उसको वेरीफाई करें ताकि जो भी मैं आपको बताना चाहूं, जो भी आपको सिखाना चाहूं या जो भी मेरी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको बजरिया ईमेल मिलती जाएं। और लास्ट अनाउंसमेंट है, इसके बाद मैं अपना वेबिनार एंड करने वाला हूं, स्पेशली रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। आप सबके लिए यह है कि अब मैं ग्रुप में कम ही एक्टिव हुआ करूंगा, ज्यादातर मैं पोस्ट जो अनाउंसमेंट है वो अपने जो ग्रुप है फॉरेक्स उस्ताद वाला उसमें ही किया करूंगा। सो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करें, पेज को लाइक करें। सबसे पहले इसका जो लिंक है वो वेबसाइट के अंदर मौजूद है, ये देखें लाइक का बटन है, इसको लाइक करें। इसके अंदर एक्टिव हों, यहाँ पे कमेंट्स लाइक्स किया करें और कोशिश किया करें जो पोस्ट मैं करता हूं उनको शेयर भी किया करें अपनी वाल पे। उसकी वजह यह है कि आप लोगों की हेल्प मैं कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी दूसरे लोगों की हेल्प किया करें फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये लगता है कि ये नॉलेज वाली चीज है या मैं आपको वाकई कुछ सिखा रहा हूँ तो उसको आप जरूर शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये सीख सकें और जो मेरा मकसद है वो पूरा हो। कामरान भाई, आप स्काइप पे आ जाइएगा अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो। सो थैंक यू, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कामरान भाई अल्लाह हाफिज, सईद भाई अल्लाह हाफिज, रिजवान भाई अल्लाह हाफिज। कामरान भाई, स्काइप पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपका जो भी क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, वालेकुम सलाम फैजान।